स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सब लोग अच्छे से हैं घर पे? ओके चिल्ड्रन, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड योर हॉलीडेज। छुट्टियों में मस्ती करी, पढ़ाई करी किसी किसी ने? ओके, नाउ चिल्ड्रन, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल अगेन बिगिन विद अवर क्लासेस। आई एम हेयर टू टीच यू इंग्लिश। आज अपन क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। एंड इन इंग्लिश I am starting my chapter of grammar. हमने English grammar पढ़ी थी, आज हम उसी का chapter एक बार दोबारा revise करेंगे। I hope आप सब बिल्कुल भूल चुके होंगे हमने क्या पढ़ाई की थी। Okay children, let us recall and revise our chapter once again. Notebooks and your book, will do some exercises. These exercises you will do in your notebook. अभी जो भी मैं काम आपको कराऊंगी आप अपनी English copy में करेंगे। ओके चिल्ड्रन, रेडी? लेट्स स्टार्ट नाउ। सो नाउ चिल्ड्रन, ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट टुडेज डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सी दिस 15/6/20। राइट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टॉप। आप सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? आज की डेट। इन द नेक्स्ट लाइन You will write the day. आज कौन सा day है? Monday. Yesterday was Sunday and today is Monday. MONDAY. Right? Now, in the next line, you will write the heading. That means आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे revision. Right? You will write revision, revision, revision. Now, in the next line, you will write L1, that means lesson 1. आज हम कौन सा कर रहे हैं? Lesson 1. And the name of the chapter. आपका जो भी chapter का name होगा, आप हमेशा heading लिखने के बाद उसका नेम लिखेंगे। लाइक ग्रामर में हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है द इंग्लिश अल्फाबेट्स। नाउ यू विल राइट दिस हैडिंग इन योर नोटबुक, द इंग्लिश अल्फाबेट। नाउ चिल्ड्रन, व्हाट यू आर सपोज टू डू? You will do your work neatly and properly. बेटा गंदा काम बिल्कुल नहीं करना है, उससे वो काम ना तो मुझे क्लियर समझ आएगा ना आपको। जब आप दोबारा पढ़ाई करेंगे आपको खुद को समझ नहीं आएगा आपने क्या लिखा है। So try to write properly in the proper lines. Okay? Now what you will write? Our first question is write small letter. आपको पता है बेटा, you have learned two types of ABCD. One is a capital and small letters. Capital letter and small letter we have done in the revision also. पहले भी जब हमने chapter किया था हमने ये चीज़ करी थी, capital letters and small letters. Now children, I have given you few letters. आप स्क्रीन पे देखेंगे ये लेटर्स हैं। अब आपको इन लेटर्स को सेम इसी फॉर्म में अपनी नोटबुक में लिखना है एंड इसके बिल्कुल सामने आपको क्या लिखना है? इसी अल्फाबेट का स्मॉल लेटर। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आप आराम से धीरे धीरे इन सभी अल्फाबेट्स का स्मॉल लेटर लिखेंगे, लाइक ए, डी, एफ, एस, वाई, पी, एल, बी। आप इन सब का स्मॉल लेटर इन सब वर्ड्स के सामने लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन,
I hope this is very simple question. Now children, one thing you must understand and learn, आपको कोई भी लाइन जो सामने लिखी हुई है वो पढ़नी आनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, राइट? आपको ये पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप कैसे समझोगे कि क्या लिखना है? ओके, छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ना सीखो, राइट? नाउ आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन वील कम टू न्यू पेज. इस क्वेश्चन को करने के बाद आप सेकेंड क्वेश्चन न्यू पेज से करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. ओके, नाउ चिल्ड्रन सेकेंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इमेज. इमेज मतलब कोई भी पिक्चर, कोई भी फोटो. आपको कोई भी फोटो सामने दी हुई है, आपको उसे पहचानना है. आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना. आप उसको देख के उसका नाम बताएंगे. नाउ दिस इज फर्स्ट इमेज. आइडेंटिफाई, पहचानो ये क्या है. कुछ बच्चों को तो ये पसंद भी होगा. बताओ ये कौन है. इट्स अ कैट. क्या है ये? ये एक बिल्ली की इमेज है. इट्स अ कैट. नाउ चिल्ड्रन आप एक और चीज़ मुझे बताओ. कैट क्या होता है? कैट इज इट अ फ्रूट, इट इज अ थिंग, और इट्स एन एनिमल, बर्ड, पर्सन, क्या है ये? आपको नाउन सिखाए थे ना पहले, बताइए ये क्या है. वेरी गुड, इट्स अ एनिमल. एन एनिमल, राइट? ये छोटा सा एनिमल है. किस किस को पसंद है? ओके चिल्ड्रन, नाउ सेकेंड पिक्चर, सी दिस. ये क्या है रेड कलर का? राइट, इट्स अ कार. ये क्या है? एक कार की इमेज है, राइट? एंड व्हाट इज द कलर ऑफ दिस कार? पहचानो कौन सा कलर है. राइट, इट्स अ रेड कलर. एंड वन थिंग, टेल मी, इज इट एनिमल, बर्ड, थिंग, पर्सन, क्या है ये? कार क्या होता है? राइट, इट्स अ थिंग. ये एक चीज है. थर्ड इमेज क्या है ये? पहचानो पहचानो. यस, इट्स अ मैंगो. मैंगो सबको पता है, किंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का राजा बोलते हैं मैंगो को. ओके चिल्ड्रन, नाउ आप सब समर सीजन में अभी मैंगोस खा रहे होंगे. मैंगो समर सीजन का फ्रूट होता है और हम सबको मैंगोस पसंद होते हैं, राइट? लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, वी शुड ऑलवेज वॉश अवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमेशा हमें वॉश करके खाना है, राइट? ओके, नाउ पहचानो ये क्या है. लास्ट इमेज, राइट, ये इमेज है कैमल की. कैमल को एक और नाम से जानते हैं. क्या नाम होता है कैमल का? शिप ऑफ डेजर्ट. शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं इसे. और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेजर्ट में बहुत टाइम तक वॉक कर सकता है. इसके लेग पैडेड होते हैं क्योंकि मिट्टी गर्म होती है ना, लेकिन पैडेड फीट की वजह से कैमल को गर्मी नहीं लगती है. एंड इट कैन स्टोर अ लॉट्स ऑफ वाटर इन इट्स हम्प. ये अपने पेट में बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है. इसके कारण ये गर्मी में सर्वाइव कर सकता है. लाइक हम लोग होते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए ना, बट कैमल कैन स्टोर वाटर इन इट्स हम्प. वो वाटर को अपने पेट में स्टोर कर सकता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ आवर क्वेश्चन हेयर इज, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज थिंग्स बोथ द वेज. आपको दोनों तरीके से लिखना है स्पेलिंग को, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर.
Now, I will tell you the spellings of these pictures. Now, अब आप थोड़ा सा रिकॉल करके मुझे बताओ ये फर्स्ट पिक्चर क्या है. यस, ये पिक्चर है कैट की. एंड व्हाट्स द स्पेलिंग? आई होप यू मस्ट नो दिस. टेल मी. गुड. सी ए टी कैट. अब आप यहाँ पे नीचे इस जगह पे लिखेंगे सी ए टी कैट. लिखेंगे, आती है सबको स्पेलिंग. आपको अपना फॉर्मेशन सही रखना है. लाइक नाउ सी दिस, मैम ने अभी लिखा यहां पे कैट, विजिबल है सबको. Now children, see the second image. आप recall करके मुझे बताओ ये image किस चीज़ की है. Car. Very good. Now we'll write the spelling. C. C. A. R. Car. Fine. Do your work properly, please. सब सुंदर सुंदर काम करेंगे. I want to check neat work. राइट नाउ थर्ड इमेज क्या है ये? आइडेंटिफाई दिस इमेज. राइट, इट्स अ मैंगो. एम ए एन जी ओ. राइट, डन एवरीवन. स्लोली डू योर वर्क, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. नाउ लास्ट इमेज कैमल. राइट, वेरी गुड. नाउ विल राइट दिस सी ए एम ई एल कैमल. नाउ चिल्ड्रन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है. अब हमें इन्हीं सभी लेटर्स को स्मॉल में लिखना है. रेडी? ओके, लेट्स बिगिन विद दिस. फर्स्ट इज कैट, सी ए टी कैट. नेक्स्ट इज कार, सी ए आर. नेक्स्ट पिक्चर इज मैंगो, M A N G O C. And the last one is camel, C A M E L. Now see children, same meaning है, same word है, but the letters are different. First block में हमने क्या देखा है? Capital letters. And in the second block, we have written small letters. दोनों में difference होता है बेटा, दोनों alphabets एक दूसरे से different होते हैं. हमें इस चीज़ को learn करना है और समझना है. जो भी question आएगा उसको उसी तरीके से लिखना है. If I ask you for small letters, then you will write small letters. And if I ask you for capital letter, then you will write the instructions, you will write in small letter. Spellings को लिखने में कोई जल्दी मत करो, जल्दी में आप spelling गलत लिख दोगे. ठीक है class? आप अच्छे से spellings को लिखेंगे और learn करेंगे. आपके exam में ऐसी छोटी छोटी images आएंगी और आप उनको पहचान सकते हैं. वो आप कैसे पहचानेंगे? आप जितना पढ़ोगे उतना चीज़ों को पहचानने लगोगे. ओके, नाउ ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं, छोटे छोटे लेटर्स हैं, आप इनको समझो और लर्न करने की कोशिश करो. ओके नाउ चिल्ड्रन, अभी हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? वी हैव डन विद द टू क्वेश्चंस. फर्स्ट इज
how to write in small alphabets, and second is to identify, right?